हकायक और सच्चाई का मबनी खबरों को शायर करने में किसी किस्म की गुरेज नहीं करता है। इसकी एडिटोरियल को तो मैं सलाम पेश करता हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि आवाम के जितने भी मामूल छोटे छोटे मसाइल होते हैं उनको ऑल टाइम्स बेहतरीन अंदाज में पेश करता है, इंतजामिया तक पहुँचाता रहा है और इंतजामिया ने उस पर कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो अर्ली टाइम्स के इस नमाया कारकर्दगी पर अर्ली टाइम की जितनी भी टीम है, जितने भी उसके रिपोर्टर्स हैं, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ, आज का मैंने अर्ली टाइम्स देखा, उसका पहला सफ़ा, तीसरा सफ़ा और आखिरी सफ़ा पढ़ा, वहाँ पर तस्वीर आई हैं कुछ वहाँ जो अर्ली टाइम्स का मालिक है उसके जो बिजनेस है उसका, उस बिजनेस के ऊपर पहरा लगाया गया है, पहरेदार लगाए गए हैं। तो बड़ा अफसोस होता है इस तरह से कि अगर अर्ली टाइम्स किसी भी खबर को शाया करता है और शाया करने के बाद अगर वो सच्चाई पर मबनी खबर है तो कम से कम उसको, अगर वो कोई ब्लंडर है, कोई स्कैम है, तो उसको ख़त्म करना चाहिए, उसको साफ और शफाफ निज़ाम में बदलना चाहिए। अगर वो उसके खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं, कानून हमारे पास मौजूद है, आईन हिंद हमारे पास मौजूद है, कोई भी अखबार, कोई भी सहाफ़ी जब तक उसके पास मुकम्मल एविडेंसेस ना हो, मुकम्मल सबूत ना हो, तो वो अखबार में खबर शाया नहीं कर सकता है। अगर किसी रिपोर्टर ने बगैर बुनियाद के, बगैर एविडेंसेस के खबर शाया की है अर्ली टाइम्स में किसी भी ऑफिसर के खिलाफ, और उस ऑफिसर को अधिकार है, उस ऑफिसर को हक है कि वो अदालत में जाए, उस ऑफिसर को यह हक नहीं है कि वो अपने पावर्स जो उसको ज़ाती पावर्स हैं उनका गलत इस्तेमाल करके किसी भी सहाफ़ी के या किसी भी पेपर के मालिक के देखा जा रहा है कि जैसे नाइट को जो नाके लगाए जा रहे हैं, नाइट को कुछ जम्मू में बहुत बड़ी सिटी है जिसमें कुछ और भी हादसे हो सकते हैं, पुलिस अपना सारा काम छोड़ के वो एक ही हमारे अर्ली टाइम्स मालिक के घर के बाहर ही पैरे लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, यही मैंने पहले बात कही है कि पुलिस का काम यही नहीं है कि पुलिस की आपने बात की है, तो बात यह है कोई भी महकमा हो उसकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसके इख्तियार की कुछ हदें होती हैं। जैसे रेवेन्यू है तो उसको सिर्फ एक आदमी की ज़मीन के पीछे नहीं लग जाना है बल्कि उसको पूरे इलाके के लोगों की ज़मीनों को देखना है, आपको कंट्री के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है। इसी तरह से पुलिस है तो पुलिस सिर्फ नाके ही के लिए नहीं होती है, पुलिस जराइम को रोकने का काम करने के लिए बनाई गई है। पुलिस जो है वो आवाम और आवाम के बीच जितने भी लड़ाइयाँ दूरियाँ पैदा होती हैं उनको मिटाने के लिए, मुजरिमों को सामने लाने के लिए